जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग रूल्स पढ़े थे, कुछ ट्रिक बताए थे आपको, लेकिन हम यही कहेंगे कि ट्रिक आप अपने से बनाइए, अपना बनाया हुआ रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टिकाऊ रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे, ठीक है, बोले थे कि हमको नहीं आता, आप लोग बनाइए, ठीक है। अब आप लोग बनाए या नहीं बनाए, खोजे या नहीं खोजे, पता नहीं, वो टॉपिक भी आपको याद है कि नहीं। वो टॉपिक था आपका ले आइए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। टॉपिक था कि किसी नंबर का, ठीक है, यूनिट्स डिजिट से पता हम लोग करते थे कि जो उसका स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, बोले थे। तो इसमें हम आपको 6, 7, 8 बता दिए थे, नहीं, और 1-2 छोड़ दिए थे, छोड़े थे, और बोले थे कि हमको नहीं आता है, आप लोग बनाओ, ठीक है। आप उस बात पर ध्यान दिए या नहीं दिए, आप उसके लिए सोचे या नहीं सोचे, पता नहीं, लेकिन हमको आशा है कि आप सोचे होइएगा, ठीक है, और सोचे होइएगा तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, ठीक है। एक बार उसको हम और रिकॉल कर रहे हैं, क्या है वो, पहला तो आपका था कि यूनिट्स डिजिट 1 या 9 रहेगा, नहीं याद कीजिए तो क्या होगा, तो यूनिट्स डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो होगा इसका, वो क्या कहलाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, बताए थे, ठीक। 4 या 6 रहेगा, उसके लिए क्या बताए थे, याद कीजिए, अरे वैसे भी नहीं याद रहेगा तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या बोले थे, 1 9 4 6, ठीक है। एक जो छोड़े थे उसी को हम बता रहे हैं, क्या छोड़े थे, 2 और 8 छोड़े थे, 2 और 8 छोड़े थे, 2 रहेगा या 8 रहेगा, सोच के देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, नहीं होगा, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, सबके लास्ट में 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 784, लास्ट में क्या आ रहा है, 4, यानी 2 या 8 यदि यूनिट्स डिजिट पर रहेगा तो उसका यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर जो निकालेंगे वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट्स डिजिट क्या होगा, 4, क्या होगा, 4, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, 3 और 7, अब क्या बचा हुआ है, 3 और 7, याद होगा, नहीं, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, यानी जो पूछ रहे हैं इसका मतलब आंसर क्या होगा, 9, नहीं हो गया। अब क्या बचा, एक 5 बचा, तो 5 का आपको पते है क्या होगा, 5, और 0 का पते है क्या होगा, 0, तो कितना हुआ, 2 4 6 8 9, 1 2 9 हो गया, और 0 आ गया, 10 हो गया, काम खत्म।
बता दिए, क्योंकि अब मेरा रूल ख़त्म होते जा रहा है, एक दो और रूल चलेगा, उसके बाद हम चले आएंगे किस में, क्वेश्चन में, इसीलिए मेरा काम था उसको एक बार बता देना। ठीक, अब हम अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक, आज का टॉपिक क्या है मेरा, सुनिए, इक्कीसवां पार्ट है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट फोर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट फोर नहीं, पार्ट फाइव, पार्ट फाइव होगा ना, फोर तक तो हो गया, डाल दिया। क्या है यह कह रहा है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल ले लो कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू कंजिक्यूटिव ऑड या टू कंजिक्यूटिव इवन। ठीक है, जैसे इवन नंबर लेते हैं, टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए हम, जैसे ले लिए 8 और 10 ले लिए। ठीक, 8 और 10 यदि हम ले लिए, कंजिक्यूटिव कहाँ हुआ, हाँ कंजिक्यूटिव है, ठीक है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर है। अब आ जाइए आप कि दोनों का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू वन लेस देन इज इक्वल, जैसे इसका प्रोडक्ट निकालिए कितना हो गया, प्रोडक्ट 80 इज वन लेस देन स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइंग बिटवीन देम। बात समझ गए, इसके बीच में कौन नंबर है, 9, तो 9 के स्क्वायर से 1 कम है कि नहीं, सुनिए, समझे, यानी क्या लिखिएगा आप, लिख लीजिए पहले इस पॉइंट को, लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ, या लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स The product of two consecutive even or odd numbers is one less than the square of a number lying between those numbers. लाइन बिटवीन दो नंबर्स, उस दोनों नंबर के बीच वाला नंबर। अब आप सोचिएगा कि हम तो इवन नंबर का लिखे हैं, नहीं ऑड नंबर का नहीं लिखे हैं, ले लो भैया ऑड नंबर का ले लेते हैं 9, 11। ठीक है, तो 9 × 11 कितना हो गया, 99, और इसके बीच में कौन नंबर है, 10 है साहब, तो 10² - 1 यानी 100 - 1 यानी कितना, 99। अब विश्वास हुआ, अब आप ऐसे ही अपना खोजिए दूसरा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं से कोई एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं इसमें 25, 27 टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, 25 को कितना से मल्टीप्लाई किए, 27 से मल्टीप्लाई किए, तो 25 को जो हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे पता है, 25 × 25 तो कितना, 625, और इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 25 × 2 जा कितना, 50। नहीं समझ रहा बात, ये जो 27 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं,
हमको तो जो सुविधा होगा हम वही काम करते हैं। मैथ में क्या होता है, जहाँ हमको सुविधा मिलेगा वही काम करेंगे। तो हमको सुविधा मिल रहा है कि 25 ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर हमको याद है, ये ना, तो 25 × 25 = 625 बच गया, क्या 2 बचा हुआ है, उसमें 25 × 2 = कितना 50, उसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 675, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 675। ये हम एक सिंपल एग्जांपल दें, इस प्रकार से आप भी अपना दिमाग लगाइए कि क्या किया जाए। अब आ जाइए, इसके बीच में कौन नंबर है, 26 है, तो 26 का स्क्वायर माइनस क्या कर रहा है 1, तो 26 का स्क्वायर क्या होगा 676, इसमें से 1 माइनस किया, आ गया मेरा काम 675 हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आइए, जैसे इवन नंबर में एक ही एग्जांपल लिए थे, इसमें भी एक एग्जांपल ले लिए, जैसे हम एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं 22 और 24, तो 22 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो भैया इसको भी हम 24 को दो पार्ट में तोड़ देते हैं अपने सुविधा अनुसार, नहीं तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ दें, हम इसको तोड़ देते हैं, मेरा मन है आप सोचे होइएगा, मन में आ रहा होगा इसको भी सर जी 22 + 2 करेंगे, हम नहीं करेंगे 22 + 2, मेरी मर्जी, हम इसको कर देंगे 20 + 4, उसमें भी हमको सुविधा है, तो 22 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो मेरे लिए काम आसान है, 22 × 40 = 44, तो 440 हो गया, और इधर कितना बचा है 4, तो 22 × 4 = 88, नहीं उधर बचा कितना 440, उधर कितना आ गया 88, कितना हो गया 528, नहीं हो गया, आराम से हम लिख देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको 528 आएगा। इसके बीच वाला नंबर क्या है भाई, 23, 23 का स्क्वायर आपको याद है 529, 529 में से 1 चला गया था, आ गया 528, यानी यह प्रूव्ड है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कोई कुछ कह देगा मान लीजिएगा सो नहीं, उसको जांच कीजिएगा कि नहीं, कोई कुछ कह दिया हाँ हो गया, यानी आप क्या पढ़े, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजीक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इज 1 लेस देन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन दोज नंबर्स, हो गया क्लियर, समझ गए, कोई टेंशन नहीं। अब हम आ जाते हैं ठीक है, अभी लाइट की समस्या है, अब ठीक है, अब ठीक, अब चलते हैं अगला पॉइंट पर, क्या चलिए अब अगला पॉइंट पर आइए, सबको आपको याद रखना होगा, अभी तक तो हम आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं, अब क्वेश्चन जब देंगे अब हो जाएगा रूल्स खत्म, तब सारा क्वेश्चन एक बार देना शुरू करेंगे, इसलिए बार बार आप लोग इसको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉपी में डाल दीजिए, उसको देखते रहिए, तब इस पर कमांड होगा, समझे बात कि नहीं समझे। अब है डिफरेंस, चाहे क्या किया जाए, एग्जाम्पल देखिए तब पता चलेगा, जैसे कोई दो नंबर है लगातार, कोई जो नंबर है मान लीजिए एक है 2, इसके बाद क्या हो गया 3, तो 3 × − 2 = ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5, ध्यान दीजिए बात पर,
देख लिए। अच्छा, अब हम इसे आगे आते हैं, एक ले लेते हैं थ्री, एक ले लेते हैं फोर। तो फोर का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। कुछ खुला दिमाग नहीं खुला, आगे बढ़। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस कितना 16 कितना हो गया 9। कुछ आ रहा दिमाग में, और आगे बढ़ो, नहीं आ रहा तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 11। नहीं आ दिमाग में। 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 201। अब आया दिमाग में कुछ, अब तो आ गया होगा, क्यों कह रहे हैं, क्यों होगा, काहे होगा, कैसे होगा। यानी कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर है, उसके स्क्वायर का डिफरेंस किसके बराबर होगा, उस दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। यही ना करते आ रहे हैं हम, नहीं करते आ रहे हैं। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 2 5। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा 4 3 7। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना होगा 9। अब कहिएगा ये तो कर लेंगे भैया, कर लेंगे हम, बड़ा कर दें तो ठीक। अब हम यहाँ कर देते हैं 2 3 5 0 0 0, ठीक है। स्क्वायर माइनस 2 3 4 9 9 9 का स्क्वायर। जिसको ये पता नहीं है, जिसको ये पता नहीं है उसके लिए तो बड़ी समस्या है, नहीं है। और जिसको ये पता है भैया दोनों को प्लस कर देगा, बात खत्म। अब समझ गए, लिख लीजिए क्या लिखिएगा, रूल रूल बना सकते हैं आप इसको अपने से, क्या बनेगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज द सम ऑफ टू नंबर्स, नहीं हो जाएगा। देखिए, द डिफरेंस ऑफ the square of two consecutive natural number is equal to the sum of those natural numbers। हो गया काम खत्म। चलिए अब अगला पॉइंट पर आइए। एग्जाम्पल आपको पहले हम बता दिए, इसका फायदा कहाँ उठाना है वो भी बता दिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये आपके अलजेब्रा के फॉर्मूला पर भी चला गया, ध्यान दिए कैसे चला गया। एक फॉर्मूला आपका अलजेब्रा का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू कितना ए माइनस बी है। वही चीज इसको यदि हम a माने और इसको b माने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ये हम क्या लिखे, a प्लस b लिखे, जो हम लोगों का रिजल्ट था। तब कहिएगा e कहाँ गया, ये तो a माइनस b है, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, उतना ही रह गया, इसलिए यही मेरा रिजल्ट नहीं हो गया। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, हम सीधा नहीं लिख सकते हैं a प्लस b, नहीं आ गया इसमें नेचुरल नंबर के केस में, बस हो गया। आप जैसे समझिए, आपके दिमाग में जैसे सेट हो वैसे कीजिए। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेरा कि जैसे देखो, यह वन, अब खाली वन वाला लेना है अभी हमको, ठीक है। वन का स्क्वायर किए तो क्या हो गया वन, ठीक। 11 का स्क्वायर किए तो कितना होगा 121, नहीं, और 111 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 12321। ध्यान दो बात को,
दे रहा ध्यान, यदि वन 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 चार टू वन, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है हमको। हम क्या करेंगे, कितना वन है, फोर, कितना वन है, फोर, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, उसके बाद थ्री टू वन, अब समझ गया, आगे दिमाग में। जैसे वन टू कितना वन है, पांच वन है, और इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो वन कितना है, फाइव, आप वन टू थ्री फोर फाइव ले जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव, और उसके बाद फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ, फोर थ्री टू वन। अब तो समझ गया, बात खत्म। अब हम आ जाते हैं कि टू टू वाला पर। अब कहे वन वन वाला था तो हो गया, अब टू टू वाला पर आ जाओ। टू टू वाला पर क्या है, सुनो, जैसे टू का स्क्वायर, ठीक है, तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, ठीक। और ट्वेंटी टू का स्क्वायर कितना होता है, याद है कितना, फोर एट्टी फोर नहीं होगा, ट्वेंटी टू का स्क्वायर फोर एट्टी फोर, फोर एट्टी फोर, टू ट्वेंटी टू हम नहीं ले रहे हैं अभी, लेकिन जब हम रूल बताएंगे तब तो आराम से जा सकते हैं उस पर। नहीं, क्या रूल है सो देखो, जैसे 22 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा, तो 22 का स्क्वायर यानी दो ठो दो है, दो ठो दो है, इसीलिए हम लेते हैं वन टू, उसके बाद फिर बैक आ जाओ, कितना हो गया वन, ठीक है, और ब्रैकेट में वन प्लस टू प्लस वन, एक दो बनाएंगे तो अपने पैटर्न तुमको आ जाएगा दिमाग में, यानी वन टू वन, ये कितना हो गया फोर, यानी कितना हो गया फोर एट्टी फोर नहीं हो गया, समझा बात अब कि नहीं समझा, आगे बढ़ो। टू टू टू, टू हंड्रेड ट्वेंटी टू का स्क्वायर, ठीक है, तो टू हंड्रेड ट्वेंटी टू का स्क्वायर जो हो गया, यानी इसमें कितना दो है, तीन, यानी हम कहाँ से जाएंगे, वन टू थ्री टू वन जाएंगे क्या कि नहीं, टू टू टू, या उसको वैसे ही लेके चला जाएगा। अब आ जाओ थ्री वाला पर, टू वाला को छोड़, अब आ जाओ टू वाला तो कर लेगा, थ्री वाला पर आ जाओ, थ्री 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 का स्क्वायर। अब इसके लिए सोचो क्या है, थ्री 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 का स्क्वायर, इसमें हम क्या करें, वही चीज जो उसमें रूल लगाएंगे वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तीन ठो है ना, क्या लिखेंगे, वन टू थ्री टू वन, ठीक, इनटू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, यानी वन टू थ्री टू वन इंटू नाइन, इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जैसे फोर्टी फोर, अभी फोर 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 फोर, इसका स्क्वायर निकालना रहेगा, तब क्या कीजिएगा, ये क्या है, फोर है तो कहाँ तक ले जाइएगा, फोर तक, यानी वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन, और इसमें कितना प्लस कीजिएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, बन जाएगा। इसी प्रकार से फाइव वाला होगा, यदि फाइव 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 पाँच फाइव रहेगा, उसका स्क्वायर निकालना रहेगा, वो छोड़िए, मान लीजिए नाइन हो, नाइन, अब इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, नाइन तक, कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया,
और फिर इसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है। अब फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक का सम, नहीं पूरा का सम ना, ये पूरा का फिर सम यहाँ लिख देंगे। अब समझ के बाद कुछ नया मिला, हो गया खत्म। अब और कुछ बाकी है नहीं, आज का काम यहीं पर खत्म। ठीक है, चलिए जय माँ बंगला मुखी।